हेलो मेरे चटोरो, कैसे हो आप सभी। आज की जो रेसिपी होने वाली है ना, बताइए क्या है। अरे ये कोई क्रीम रोल नहीं है, ये आलू रोल। एकदम चटपटी रेसिपी है और आप जब इसे खाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आपको पैटीज आती है ना, आलू वाली पैटीज, वैसा आपको इसका टेस्ट लगेगा। और क्विक रेसिपी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए बनाते हैं ये। तो सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। तो एक बाउल ले लिया है मैंने, बाउल में मैंने 250 ग्राम मैदा आपको ऐड कर देना है। फिर इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी के लगभग नमक और 2 टेबलस्पून की जितना आपको ऑयल डालना है। और इसमें आपको मोहन लगाना है, वो पड़ोसी वाला मोहन नहीं, ऐसे मसल मसल के अच्छे से मोहन लगाना है। ये देखिए ऐसा इकट्ठा हो जाए और जब हाथ से आप तोड़ें तो टूट जाए। फिर इसमें हम जरा जरा सा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा अगर अंदाज ना हो तो। और इसका एक सॉफ्ट डो आपको तैयार कर लेना है, एकदम नरम होना चाहिए, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर ढक के, और मतलब कि 10 मिनट ढक के इसको रेस्ट देंगे। तब तक एक और बाउल आ चुका है, अब हम आलू की स्टफिंग बना लेते हैं। तो ये देखिए ये 2 आलू हैं बॉईल किए हुए, मीडियम साइज के आलू हैं। इन्हें आपको इस कद्दूकस में घिस लेना है, मतलब कि इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, यही मकसद है आलू को घिसने का। ये पनीर है, लगभग 50 ग्राम पनीर है, इन्हें भी कद्दूकस करके मैंने डाल दिया। इससे ना बहुत अच्छा क्रीमी फ्लेवर आएगा, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज चॉप किया हुआ और चॉप हरा धनिया 1 टेबलस्पून, 3 से 4 हरी मिर्च चॉप की हुई इसमें डाल देंगे हम, स्वाद अनुसार नमक लगभग 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच डाल देंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, और इन्हें आपको अच्छे से मैश करके मिक्स कर लेना है। और ये मिक्स हो चुका है और हमारी स्टफिंग भी बनके तैयार है। थोड़ा सा मैं खा लेता हूँ क्योंकि मेरे मुँह में पानी आ रहा था। आटे को भी अच्छा खासा रेस्ट दे दिया है मैंने, 15 मिनट हो चुके हैं। इसमें से एक छोटी सी लोई लेंगे, पूरी जैसे लोई रहती है ना, पूरी के आकार की उतना, और इसे आपको लंबा बेलना है। याद रखिएगा आपको इसमें ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ये चिपक रहा है तो थोड़ा मैदा आप ले सकते हैं, बट ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना है, और इसे ऐसे लंबा बेल लेना है। और इसकी थिकनेस ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली भी मत रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने बेल लिया है। अब इसके एक साइड में हम ऐसे चीरा मार देंगे, मतलब आधे भाग में, मतलब एक साइड ऊपर की तरफ ऐसे 4-5 आपको चीरे मार देने हैं चाकू की मदद से। अब हम एक कबाब के जैसा इसका रोल बना लेंगे, जो स्टफिंग बनाई है ना आलू की, ऐसा लंबा एक कबाब जैसा बना लेंगे और एक नीचे वाली साइड पर आपको रख देना है। और आपको क्या करना है, अब हम पानी लगाएंगे, तो एक कॉर्नर्स पे आपको पानी लगा लेना है। ये सब आपको बहुत केयरफुली करना है, अगर ये ऑयल में खुल गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो अब हम इसे फोल्ड कर देंगे, ये देखिए ऐसे, और ये सील कर देना है आपको ऐसे दबा के, देखिए ऐसे। और फिर से हम ये जो एक साइड है इधर पानी लगाएंगे और इसे ऐसे फोल्ड करना है, उठा के ऐसे अच्छे से दबा दबा के फोल्ड कीजिएगा। जैसा कि मैंने बोला, अगर ये ऑयल में खुल गई तो आप मेरा नाम ख़राब करेंगे, बोलेंगे मैंने ही बताई थी ऐसी रेसिपी। तो ये जो है आपको अच्छे से करना है, आपको पानी चारों तरफ लगा लेना है और इसे रोल कर लेना है। अब रोल हो जाए तो इसे हल्के हाथ से ऐसे देखिए रोल कीजिएगा, ताकि जो आलू है इसकी स्टफिंग है वो अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए तैयार हो चुका है, ऐसे ही आपको सारे भर लेने हैं, प्रिपेयर कर लेने हैं। ऑयल आपको करना है एकदम मीडियम, मतलब जैसे समोसे तलते हैं ना, थोड़ा सा एकदम गर्म होना चाहिए ऑयल। और एक एक करके जो हमारे ये जो नाश्ता कह लीजिए, जो चाय कह लीजिए, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, पैटीज कह लीजिए। और इसको इत्मीनान से पकने देना है, बिल्कुल भी घाई मत कीजिएगा, मतलब कि जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर हाई फ्लेम कर दिया तो ये ऊपर से क्रिस्प हो जाएगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा। तो एकदम इत्मीनान से करना है, लो ही फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे भी नहीं, लो फ्लेम पे। और ये देखिए अच्छा सा इसके ऊपर जब कलर आ जाए समोसों के जैसा, तो हम इनमें से इसे निकाल लेंगे। और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, हाँ मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है। तो एक एक करके हम इसमें से साइड में निकाल लेंगे। और मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली है, मैंने इसकी प्लेटिंग सॉस जो टोमेटो केचप रहता है ना उसके साथ की है। आप चाहे तो जो चटनी वगैरह के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्यारी सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिए ना। और बेल आइकन क्यों नहीं दबाते हैं, तभी तो आपको ऐसी बेहतरीन रेसिपी मिलेंगी और आप रेस्टोरेंट होटल जैसे फ्लेवर का मज़ा घर पे ले पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो एक नए रेसिपी के साथ। तब तक घर का बनाइए और घरे का खाइए, समझे।